माँ की स्मृतियां स्थिर और मौन है। जो इस एहसास को समझ लेता है वही जानता है कि ये कौन है। माँ कहने को एक बेहद ही छोटा सा शब्द है और इसके अर्थ पर जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसे हम माँ कहें या ना कहें, फिर भी उसका वजूद है। और ये वजूद ऐसा होता है कि इसका एक हिस्सा औरत का होता है तो दूसरा हिस्सा उस मर्द का होता है जिसका रूप एक दिन हम भी जिएंगे। माँ सिर्फ एक औरत नहीं होती, माँ एक पुरुष भी है। और यही नहीं, हम जब एक माँ की हत्या करते हैं तो सिर्फ एक औरत या पुरुष की हत्या नहीं करते, जबकि यहाँ हम अपने आप की हत्या कर देते हैं। इस वजूद के हिस्से में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और फिर दर्द से बेटे को जन्म दिया, उसे पाला, उसकी जरूरतें पूरी की, उसी माँ के लाडले बेटे ने उसे मौत की नींद सुला दी। ऐसा ही कुछ हुआ तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में, जहाँ महज सिर्फ 21 साल के बेटे ने अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। एक बेटे ने अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी, और हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह उसकी शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पाई। जानकारी के मुताबिक उसकी माँ उसकी शादी के लिए लड़की खोज रही, वह लड़की खोजने में कामयाब नहीं हो पाई। वह अभी भी बेटे की शादी के लिए लड़की देख रही थी। शादी के लिए लड़की ना मिलने पर आरोपी बेटा नाराज हो गया और माँ की बहरहमी से हत्या। मामला जिले के बांदा मेलारामा गांव का बताया जा रहा है। इसकी जानकारी जब महिला की बेटी को चली तो उसने अपने भाई और अन्य शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही वारदात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुँच कर जाँच शुरू कर दी। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे एक अन्य रिश्तेदार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी बेटे का नाम ईश्वर है और वो महज 21 साल का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ईश्वर पिछले काफी समय से शादी के लिए लड़की ढूंढने को लेकर अपनी माँ पर दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि ईश्वर दिव्यांग और बेरोजगार था, इसलिए उसकी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल गई। इस बात को लेकर वह काफी परेशान रहने लगा था। इसी बात के चलते परेशान ईश्वर ने अपने एक अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या की साजिश रची और अपनी माँ को मौत के घाट उतार दी। आरोपी ने माँ की ईंट से मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ईश्वर ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। उसी वक्त पत्थर से गंभीर रूप से घायल करने के बाद दोनों आरोपियों ने चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने उसके पैर काट दिए और लगभग 10 तोले वजन की उसकी चांदी की पायल चुरा ली, ताकि पुलिस को लगे कि चोरी के लिए हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात को चोरी के बाद हत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी ने रिश्तेदार के साथ मिलकर हत्या की बात को कबूल कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।